नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं अमित भूबिया। जम्मू कश्मीर भारत का अंग है या नहीं, ये सवाल मैं अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे हाँ है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि कश्मीर भारत का अंग है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस देश में कुछ राजनीतिक लोग क्या सोचते हैं, कांग्रेस क्या सोचती है, वामपंथी क्या सोचते हैं, कौन कश्मीरियों को बिकाऊ कहता है। सबसे पहले तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि अब ये कश्मीर दो झंडों वाला कश्मीर नहीं है, ये तिरंगे वाला कश्मीर है, और कश्मीरी हमारे भाई बहन हैं, हमारे सगे हैं, वो भी उसी संविधान के नीचे हैं जिस संविधान के नीचे हम। जो कांग्रेस कश्मीरी भाई बहनों के हितों के लिए 370 हटाने का विरोध कर रही थी, आज वो कांग्रेस उन्हें बिकाऊ कह रही है। जिस कांग्रेस ने 70 साल तक कश्मीरियों को भारत से अलग समझा, अब वो उनके लिए बिकाऊ शब्द का इस्तेमाल करके ये साबित कर रही है कि कांग्रेस ने कभी उनके हित में सोचा ही नहीं। दरअसल हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद शोपिया के दौरे पर गए। उन्होंने अलग अलग इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, शोपिया में आम लोगों के साथ भोजन किया और उनसे बातचीत की। देखिए, इन्हीं तकलीफों का इलाज करने के लिए नरकस में कुछ कदम टेम्परेरी कदम है, थोड़ी देर के लिए। एक बार जो सिलसिला और एक अच्छा निज़ाम बन जाए, फिर उस निज़ाम के अंदर में तब्दीलियाँ आएंगी तो ज़्यादा पुख्ता और ज़्यादा देर तक के लिए। जब सिलसिला बिगड़ जाता है उसको सुधारना तब तक मुमकिन नहीं होता जब तक कि सारी उतर के बन पाते हैं। वो तो सभी कभी सर्दी तक कर लोग भी खुशी से अजीत डोभाल से मिले। इस पर कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले आ सकते हैं, और कर्फ्यू से ये पहली शायद स्टेट बनी होगी जिसको यूटी बनाया होगा और पूरे स्टेट में 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों में कर्फ्यू लगा के कानून बनाना। कहीं हिंदुस्तान में और दुनिया में आज तक सुना है कि आप कोई कानून बनाओ और पूरी स्टेट में कर्फ्यू लगाओ? अजीत डोभाल की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर वो दिखाना चाह रहे हैं। वो पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो। इस बयान का क्या मतलब है? क्या वो कश्मीरियों को बिकाऊ समझते हैं? यहीं इसके बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद श्रीनगर पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोक दिया और आगे नहीं जाने दिया। आपको बता दें कि अब कांग्रेस भी दो हिस्सों में बट गई है। कांग्रेस के बड़े नेता जहां 370 हटाने पर सरकार का विरोध कर रहे हैं, वहीं अलग अलग प्रदेशों से कांग्रेस के नेता 370 हटाने पर सरकार का समर्थन कर रहे हैं। हरियाणा के रोहतक से पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने 370 हटाने का समर्थन किया। कांग्रेस के नेता विजेंद्र हुड्डा तो राहुल से ये पूछने के लिए धरने पर बैठ गए कि वो अनुच्छेद 370 का विरोध क्यों कर रहे हैं। विजेंद्र हुड्डा ने जो अपने पीछे पोस्टर लगाया उस पर लिखा कि हम सच्चे कांग्रेसी हैं, मगर राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं कि वो अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध क्यों कर रहे हैं। 370 हटाने को लेकर CPIM, CPI समेत कई वामपंथी दलों ने सरकार का विरोध किया। कोई कितना भी विरोध करे, लेकिन ये साफ है कि सरकार के फैसले का जनता स्वागत कर रही है। कांग्रेस चाहे कितना भी विरोध करे, लेकिन कांग्रेस के बहुत से नेता सरकार के साथ सरकार का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस के ऐसे व्यवहार के बारे में आपके क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़।